ये देखो हमारे गुवाहाटी में जो फ्रॉन्क्स रहता है, चिमड़ी मांस बोलता है उसको। और यहाँ पर देखो लकड़ी से बना दिया कछुआ, और फिर ये हरिण का सींग बना दिया। तो गाइस फाइनली फ्लाइट में पहुँच गया है, गुवाहाटी फ्लाइट में बैठ गया है। हेलो गाइस, सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। और अभी है हम फिलहाल गुवाहाटी में, तो आप सबको पता ही होगा जो लास्ट वीडियो में हम लोग आया था, और बेंगलुरु टू अगरतला, तो वो वीडियो में हम लोग गाँव आया था। अभी हमारा गाँव से वापस जाने का टाइम आ गया है, तो अभी हम जा रहा है। तो कैसे हम लोग जा रहा है अभी बेंगलुरु पे, तो गाँव में 1-1.5 महीना हो गया, तो इतना दिन रुक के क्या करेगा, कुछ काम वाम नहीं है, तो गाँव में आके चुप के लॉस होता है। तो इसलिए अभी हम जा रहा है बेंगलुरु में, हमारा रात को 9 बजे का फ्लाइट है। तो अभी हम फिलहाल होटल में ठहरा है, और सामने का व्यू देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखो गाइस, सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और ये स्टेडियम है खेलने का, फुटबॉल का स्टेडियम दिख रहा है सामने। और आगे तो जो उसका आगे है ना, वो जो पहाड़ दिख रहा है, उधर नदी है, गुवाहाटी का नदी है, बड़ा नदी है उधर। तो हम अभी एयरपोर्ट के लिए, बस के लिए निकलेंगे उधर से, तो वहाँ से आपको दिखा सकता हूँ नदी। तो गाइस सुबह आया था, सुबह आके आप लोगों को दिखाया था, तो वापस फिर से आ गया, सुबह जाके सो गया था, अभी सो के उठा है। तो उठ के अभी शाम का बज चुका है 4, तो अभी हम लोग आया है छत का ऊपर, तो देख सकते हो बहुत ही अच्छा व्यू है। तो खाना वाना खाने का है, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है भूख, तो फाइनली हम लोग जाके खाना वाना खा लेते हैं, फिर लेते हैं यहाँ से बस का टिकट, बस का टिकट लेके फिर चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। तो अभी खाना वाना खा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो खाने में बहुत कुछ है, चिंगड़ी माछ है, छोटा मछली है, जो इसको प्रॉन्स बोलते हैं, हमारा गांव में इसको चिंगड़ी माछ बोलते हैं बंगाली में, तो हम गाइस चिंगड़ी हमने माछ मंगाया बोलते ये हैं। बेस्ट वाले, और साथ में है ये देखो भाई, प्रॉन्स का साइज इतना बड़ा बड़ा है, प्रॉन्स साइज देखो, बेस्ट वाले मंगाया, यहाँ पर प्रॉन्स है। खाना वाना हो गया गाइस, तो अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, जो पूरा लकड़ी से बना है, तो आप लोग देखना उसको। चीज़ दिखाता हूँ आपको, पूरा लकड़ी से बनता है ये, जो पूरा बैग है ना, ये पूरा खाली लकड़ी का है, ये देखो ये बांस का है भाई, निकी निकी चीज, ये देखो कछुआ बना दिया लकड़ी से, आप देखो और एक कश्मीर। तो भाई पूरा चीज़ लकड़ी से बना दिया है ना, यूनिक सामान। तो यहाँ पर बैग पूरा बम्बू से बना दिया, यहाँ पर देखो कछुआ बनाया, झींगा बनाया, और एक चीज़ लकड़ी से बना दिया। यार मैं भी सोच रहा हूँ ये लोग कैसा बनाया लकड़ी से, इतना मस्त 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 सामान है यार, दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। अभी हम गाँव नहीं जा रहे, तो नहीं तो एक लेके चला जाता जाने का टाइम में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। तो गाइस अभी आया हम लोग एयरपोर्ट के लिए, बस के लिए, तो ये बस जाने वाला है एयरपोर्ट, इसका हम टिकट लेंगे, आपको 2 बस है, इधर एक है, इधर एक है, टिकट लेंगे। अभी टिकट का काउंटर कहाँ पर है, सामने उधर दिख रहा है, सामने दिख रहा है उधर टिकट काउंटर है। तो ये एयरपोर्ट का बस है, तो उससे हम जाएंगे एयरपोर्ट, तो फिलहाल टिकट ले लेते। तो गाइस हमारा टिकट ले लिया है, तो ये है बस हमारा, टिकट टिकट ले लिया, टिकट टिकट लेके बस में बैठ गया। बस में तो आदमी नहीं है, ज़्यादा आदमी नहीं है, 1-2 आदमी है, पता नहीं ये बस कब फुल होगा, शायद रात भी हो सकता है। अगर रात हो गया तो हम लोग को वीडियो अच्छा से नहीं बनेगा, तो वीडियो के लिए हमने दिन में टिकट काट के बैठा था, 4 बजे हम लोग बैठ गया था, रात को 9 बजे हमारा फ्लाइट है। तो भाई हम लोग बैठा था 4 बजे बस में, और अभी बज रहा है 5:30, तो 1.5 घंटा हो गया बस में बैठ के, लेकिन बस अभी निकला है, क्योंकि बस फुल ही नहीं हो रहा था, तो 1.5 घंटा हमको बस में बैठना पड़ा। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हो गया हम लोग लेट। तो गाइस अभी तो फिलहाल अंधेरा भी हो गया, तो अभी हम जा रहा है एयरपोर्ट के लिए, तो अब लेट हो गया तो क्या कर सकते हैं, अभी अंधेरा भी हो गया, जो हमने टिकट लिया था वीडियो के लिए, तो वीडियो तो अब नहीं बनेगा। तो फिलहाल हमारा गुवाहाटी का मार्केट देख लो, गुवाहाटी का मार्केट बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पर देखो भाई इधर अच्छा अच्छा कपड़ा भी मिलता है, बहुत ही सस्ता सस्ता में मिलता है। अगर आप लोगों को किसी को आ रहा है गुवाहाटी घूमने के लिए, तो गुवाहाटी में आके ऐसा कपड़ा वपड़ा ले सकते हो। तो आपको गुवाहाटी का फुल ब्लॉग चाहिए तो कमेंट में बताना, जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो गुवाहाटी होके आएंगे, आपको पूरा वीडियो देंगे गुवाहाटी का, सब जगह का वीडियो देंगे।
फाइनली गाइस एयरपोर्ट पहुंच गया है, गुवाहाटी का एयरपोर्ट पहुंच गया। तो अभी हम उतरते हैं और चलते हैं अंदर, देखते हैं। तो फाइनली गाइस एयरपोर्ट पहुंच गया है, तो अभी हम चलते हैं अंदर, तो आपको दिखाते हैं। तो एयरपोर्ट देखो भाई, वो ये है गुवाहाटी का एयरपोर्ट, बहुत ही मस्त है। यहाँ पर है अंदर से एंटर होता है, तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। अंदर जाने का पहले कुछ खा लेते पी लेते, क्योंकि एयरपोर्ट का बाहर थोड़ा सस्ता खाना मिलता है, तो हमने ले लिया एक ब्रेड ऑमलेट, तो खा लेते, खा के फिर चलते हैं अंदर। हमको मिल चुका है बोर्डिंग पास और पटना अंदर यहाँ पर है बोर्डिंग पास मिल चुका है। पूरा यहाँ पर डाल दिया, तो गाइस सिक्योरिटी क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया और चेकिंग वोकिंग पूरा हो गया और हम बैग में पूरा हमारा साथ रखा है। तो गाइस हमारा फ्लाइट का टाइमिंग था 9:10 में, अभी 10:10 हो गया और अभी हम हमारा जो फ्लाइट है वो आकाशा एयरलाइन में है, तो अभी हमारा बोर्डिंग शुरू होगा 10:10 में। तो अभी देखते उधर टीवी में लगाया, तो गाइस तो भाई लग चुका है 9:10 यहाँ पर देखो 9:10 में है फ्लाइट, तो अभी लेट हो गया, अभी 10:10 में बता रहा है, बहुत ही लेट है यार, रक्षा में कोई भी नहीं है ना। हमने लिया है पेप्सी, तो पेप्सी खा लेते हैं फ्लाइट में जाके, फ्राई चिकन खाएंगे। हाँ पार्सल किया था, अभी तक फ्लाइट लेट हो गया, आप क्या कर सकते हैं, खाना इधर ही खा लेते हैं बाद में। मंगाया था फ्रेंच फ्राइज, बर्गर फ्राइज, बर्गर फ्रेंच फ्राइज खा लेते पहले। तो गाइस फाइनली हम लोग फ्लाइट में पहुंच चुका है और अभी हम एयरपोर्ट पे हैं और हमारा फ्लाइट है ना 1 घंटा लेट चल रहा है, तो अभी यह है फ्लाइट हमारा। अच्छा यार, तो बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस हमारा फ्लाइट है आकाशा और हम 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाला है अभी 3:20 में। तो अभी हम चलते हैं फ्लाइट का अंदर, तो अंदर जाके फिर आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली हम फ्लाइट में बैठ गया है, आप देखो बेंगलोर पहुँचेंगे हम लोग को 3 घंटा लग जाएगा। तो गाइस फाइनली हम फ्लाइट में बैठ चुका है और सीट बोर्ड कंफर्टेबल है, आकाशा एयरलाइन बहुत अच्छा है और सीट पूरा सार्थक जाता है और लेग भी पूरा अच्छा से कवर होता है, तो बैठने में भी बहुत दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। हमने मंगाया है ब्लैक कॉफ़ी और यहाँ पर है मैगी।
चुका है। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं कोई बास मिलता है क्या, बास भी लगा तो बास पे बैठ जाएंगे। इधर हम पे बहुत जोर से लग रहा है भूख, कुछ खाना वाना खा लेते पहले, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी एयरपोर्ट का बाहर, तो एयरपोर्ट का बाहर जाके देखते हैं कोई बास वस मिलता है क्या। बास वस मिल गया तो अच्छा है, तो इतना रात को पता नहीं बास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया तो अच्छा है भाई। तो गाइस फाइनली आ गया हम एयरपोर्ट का बाहर, और यहाँ पर एक पुलिस वाला भैया ने बोला तो सामने बास मिल जाएगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा रात भर यार इधर बास मिलता है, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो अब देख लो भाई बेंगलोर का एयरपोर्ट पूरा। तो गाइस फाइनली हमको बास मिल चुका है और रात का बज चुका है 3। तो आप हमारा वीडियो बहुत इंजॉय किया होगा, अगर इंजॉय किया है तो हमारा वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।